दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। BSNL द्वारा 4G सर्विसेज लॉन्च न किए जाने पर AUAB यानी कि ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ BSNL ने 1 अक्टूबर 2020 को काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है। ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ BSNL के कर्मचारियों का कहना है कि BSNL के 4G टेंडर को रद्द करने से BSNL के पुनरुद्धार के लिए बहुत नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने अक्टूबर 2019 में ही BSNL और MTNL के पुनरुद्धार की योजना को मंजूरी दी थी, जिसमें BSNL के 4G सर्विसेज के लिए स्पेक्ट्रम का एलोकेशन भी शामिल था। BSNL को रिवाइवल पैकेज भी नहीं मिला और साथ ही साथ BSNL का 4G टेंडर भी कैंसिल हो गया। इसी कारणवश ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ BSNL ने 1 अक्टूबर 2020 को काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है। BSNL ने 2020 में 4G का टेंडर इशू किया था, जिसमें कि BSNL के 50,000 साइट्स में 4G सर्विसेज को शुरू करना था, किंतु भारत और चाइना के बिगड़ते रिश्ते के कारण यह नहीं हो पाया और JTE के साथ टेंडर कैंसिल हो गया। इस बात से पूरा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि AUAB नाराज है। AUAB का कहना है कि BSNL के पास अभी 4G उपकरणों का कोई विश्वसनीय घरेलू निर्माता नहीं है। AUAB का यह भी कहना है कि जब BSNL की हालत इतनी खराब है, ऐसी स्थिति में BSNL के 4G टेंडर को रद्द करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया नीति के नियमों का उल्लंघन है। अभी तक BSNL द्वारा 4G टेंडर शुरू न होना यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सरकार नहीं चाहती कि BSNL अपनी 4G सेवाएं शुरू करे। AUAB का कहना है कि सरकार इसमें कोताही बरत रही है, अभी तक BSNL का 4G टेंडर इशू नहीं हुआ है, साथ ही साथ BSNL का रिवाइवल पैकेज भी सरकार द्वारा नहीं मिला है। AUAB का यह भी कहना है कि 4G सेवाओं के लॉन्च में जो बाधाएं पैदा हो रही हैं, उसके परिणाम स्वरूप BSNL का पुनरुद्धार असंभव है। इस प्रकार BSNL का भविष्य साथ ही साथ उसके कर्मचारियों का भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है। इन परिस्थितियों में अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए AUAB यानी कि ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ BSNL ने 1 अक्टूबर 2020 को एक काला दिवस मनाने का फैसला लिया है। पूरे संगठन ने अपने कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2020 को ड्यूटी पर रहते हुए काले बेज पहनने को कहा है। AUAB ने यह भी कहा है कि उस दिन भूख हड़ताल आयोजित किया जाएगा। 1 अक्टूबर 2020 को भूख हड़ताल और काला दिवस मनाने का बड़ा कारण BSNL प्रबंधन और भारत सरकार से मांग की गई है कि BSNL 4G सेवाओं को शुरू करने के लिए सरकार तत्काल कदम उठाए। AUAB ने अपने बयान में कहा है कि BSNL का लैंडलाइन, फाइबर टू द होम और ब्रॉडबैंड कनेक्शन काफी खराब हो चुके हैं, प्रबंधन इनका रखरखाव और ग्राहक सेवा पर सुधार करे। AUAB का सरकार से मांग है कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, 4G सर्विसेज, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड और मोबाइल यूजर्स की संख्या में वृद्धि की जाए। AUAB ने कहा है कि जिस तरह की स्थिति BSNL की है, उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं, यह कर्मचारियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। AUAB का कहना है कि वो जल्द से जल्द BSNL के CMD को पत्र लिखेंगे, जिसमें BSNL की स्थिति को तत्काल सुधारने और 4G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए जल्द कदम उठाए जाए। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.